हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टी स्पाइस। तो गाइस, होली का सीज़न बहुत पास है, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ होली सीरीज शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको डेली बेसिस पर कलरफुल डिशेस मिलेंगी जो आप इस होली पर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। तो हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आप अपने फैमिली के साथ इस होली पर इंजॉय कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने आधा किलो दूध लिया है, उसमें यहाँ पे मैंने घर की जो मलाई होती है, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ मेरे पास 2 बड़े चम्मच है, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मीन्स की जो मलाई है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ जो मलाई है वो मुँह में आएगी तो हमारा कस्टर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। मलाई डालने से जो हमारा कस्टर्ड है वो बहुत ही वेलवेटी और क्रीमी बनेगा, तो आप ट्राई ज़रूर करना मलाई के साथ। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो हम इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। तब तक यहाँ मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और 1/2 कटोरी दूध लिया है, उसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच वनीला पाउडर इसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाने से क्या होता है कि उसमें लम्ब्स बन जाते हैं और वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मिक्स करना, इसलिए हम पहले ठंडे दूध में इसको, ठंडा नहीं है नॉर्मल दूध है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर और फिर हम उसको दूध में ऐड करेंगे। अगर आपको बिना कस्टर्ड पाउडर के इस रेसिपी को बनाना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वैसी रेसिपी भी बताऊंगी। और यहाँ पे हमारा अच्छे से कस्टर्ड पाउडर मिक्स हो चुका है और यहाँ हमारे दूध में बॉयल आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैंने फ्लेम को सिम कर दिया और यहाँ मैंने 60 ग्राम शुगर लिया है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, आप इसमें 75 या 100 ग्राम तक भी इसमें शुगर डाल सकते हो। और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है ताकि जो शुगर है वो अच्छे से मिल्क के साथ मिक्स हो जाए। तो मैंने फ्लेम को सिम ही रखा है और थोड़ा थोड़ा करके जो कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क था हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम चलाते जाएंगे, अदरवाइज इसके अंदर कॉर्नफ्लावर होता है वो नीचे बैठ जाएगा और उसकी गुठलियाँ बन जाएगी। यहाँ मैंने सारा कस्टर्ड वाला मिल्क डाल दिया और मैंने फ्लेम को भी हाई कर दिया, हम इसको एक बॉयल आने तक इसको चलाते रहेंगे और इसको हम सिर्फ 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चा स्मेल है वो निकल जाए, वो अच्छे से पक जाएगा। आप देख सकते हो इसमें अच्छे से बॉयल आ गया, तो अब हम इसको इससे ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि वो हमारा कस्टर्ड है जो वो नीचे ना लगे और इसमें गुठलियाँ भी ना बने। अब हमारा कस्टर्ड रेडी है या नहीं उसको चेक करने के लिए आप स्पून की बैक साइड पर अच्छे से कस्टर्ड को लगा लीजिए और आप देख सकते हैं थिक लेयर फॉर्म हो चुकी है। अब मैंने एक फिंगर की मदद से इसको हटाया तो ये शेप को अच्छे से होल्ड कर रहा है, इस मीन्स कि जो हमारा कस्टर्ड है वो बिल्कुल सही है, इतना ही हम इसको पकाना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। अब मैंने कस्टर्ड को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा बटर लगाया, इससे क्या होगा ठंडा होने के बाद कस्टर्ड के ऊपर एक मोटी लेयर आ जाती है, वो नहीं आएगी, जो बटर है वो उसको लेयर को फॉर्म नहीं होने देगा। अब हम इसको सिल्वर फॉइल से कवर करके फ्रिज में रख देंगे कम से कम 3-4 घंटे, और मैक्सिमम आप कितना भी रखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मेरे 4 आवर्स कंप्लीट हो गए, तो हम सिल्वर फॉइल को हटाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हो बटर की वजह से इसमें मोटी लेयर नहीं आई है, पर ये थोड़ा थिक हो चुका है पहले से, तो हम इसके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल ही सिल्की और क्रीमी हो, कोई भी लम्स हमारे मुँह में ना आए खाते वक्त, जिसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ फ्रूट्स में मैंने लिए अनार, चीकू, कीवी, एप्पल
और केला, केले के अंदर मैंने ऑरेंज जूस डाला है, इससे ऑरेंज का भी अच्छा फ्लेवर आएगा। और कुछ ग्रेप्स, यहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रेप्स लिया, उसको मैंने कट कर लिया। आप देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड कितना क्रीमी है। अब हम इसके अंदर थोड़े थोड़े फ्रूट्स डाल देते हैं, थोड़े थोड़े फ्रूट्स हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। यहाँ पर मेरे सारे फ्रूट्स थे, मैंने इनको कट करके फ्रिज में रख लिया था, इस वजह से ये बिल्कुल ठंडे हैं। आप चाहो तो इसको गर्म कस्टर्ड के अंदर डालकर इसको ठंडा कर सकते हो, मैंने अलग अलग करके इसको ठंडा कर लिया। अब हम कस्टर्ड को फ्रूट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपनी चॉइस के इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ मैंने कुछ बटर स्कॉच लिए हैं, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, इससे अच्छा क्रंची फ्लेवर आएगा हमारे कस्टर्ड के अंदर। आप चाहो तो इसमें चोको चिप्स भी डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ मैंने कस्टर्ड को ग्लास में सर्व कर लिया, नीचे मैंने बॉटम में काफ़ी सारे फ्रूट्स डाले और उसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया। यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर वनीला आइसक्रीम को डालकर कस्टर्ड के ऊपर पोर किया है। आप चाहो तो वनीला की जगह आप व्हिप क्रीम भी ले सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और ऊपर मैंने कुछ फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश किया है। तो इस होली पर आप इस कलरफुल कस्टर्ड को ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।